दोस्तों, एक इम्पॉर्टेंट अपडेट शेयर करूंगा यूई वर्क वीज़ा या रेसिडेंसी वीज़ा होल्डर्स के लिए। यूई गवर्नमेंट ने न्यू 400 दिरहम फाइन की घोषणा की है। स्पेशली ये फाइन है उन लोगों के लिए जो लोग यूई में ड्राइविंग करते हैं। तो ड्राइविंग करने वालों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वीडियो है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को पूरा देखें ताकि पूरा अपडेट आपको पता चल सके। दोस्तों, 1 अप्रैल से अबू धाबी शेख मोहम्मद बिन रशीद रोड पर न्यू स्पीड लिमिट लागू होने जा रहे हैं और स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर्स मिनिमम स्पीड लिमिट, और मैक्सिमम स्पीड लिमिट है 140 किलोमीटर पर आवर्स। और ये स्पीड लिमिट बाई ओर से, मतलब लेफ्ट साइड से फर्स्ट और सेकेंड लेन में लागू किया जाएगा। और इस रूल को उल्लंघन करने वाले को 400 दिरहम फाइन, मतलब जुर्माना किया जाएगा। और धीमी गति वाले गाड़ी थर्ड लेन से जा सकते हैं, थर्ड लेन में कोई स्पीड लिमिट नहीं है, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड लिमिट नहीं है। और जो हैवी व्हीकल्स है, हैवी व्हीकल्स लास्ट लेन से जा सकते हैं, इसमें कोई स्पीड लिमिट नहीं है। मतलब स्पीड लिमिट है मोहम्मद बिन रशीद रोड पर बाई ओर से, मतलब लेफ्ट साइड से फास्ट और सेकेंड लेन पर। और 1 अप्रैल से, 1 अप्रैल से ये रूल लागू किया जाएगा, मतलब स्पीड लिमिट लागू किया जाएगा। और जुर्माना लगाया जाएगा 1 मई से, मतलब अप्रैल से स्पीड लिमिट लगाया जाएगा। जो मिनिमम स्पीड लिमिट है 120 किलोमीटर पर आवर और मैक्सिमम स्पीड है 140 किलोमीटर पर आवर, लेफ्ट साइड से फास्ट और सेकेंड लेन पर। लेकिन ये जुर्माना लगाया जाएगा, जुर्माना 1 मई से लगाया जाएगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस रूल को फॉलो करें 1 अप्रैल से, नहीं तो आपको 400 दिरहम जुर्माना देना होगा। और दोस्तों, इसके ऊपर एक आर्टिकल खलीज टाइम पेपर में पब्लिश हुआ है, तो उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा, तो उस लिंक से आप पूरा न्यूज़ रीड कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको इसके बारे में पता चल सके। वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं न्यू अपडेट के साथ।